सो हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, दिस वाज शो एंड वेलकम टू योर चैनल व्हिच इज लोन राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं न्यू ईयर के साथ और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस बक्से के बारे में। हालांकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया है बट फिर भी इस बक्से के अंदर मेरा नया हेलमेट है और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ विद फॉर द वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि अनबॉक्सिंग पसंद आता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा पसंद, आप लोगों को भी देखना पसंद है अनबॉक्सिंग एंड ऑल। सो मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था। दिस इज़ अ हेलमेट फ्रॉम जीरो। सो ये अमेजोन के पैकेजिंग में आया था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमेजोन का पैकेजिंग हर वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो अमेजोन की तरफ से ये पैकेजिंग आया था, तो पैकेजिंग आसानी से मैंने किया और उसके बाद जीरो का जो पैकेजिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उनका जो बॉक्स है एंड ऑल, इतना छोटा सा हेलमेट है बट फिर भी कितने अच्छे पैकेजिंग के साथ आता है। मतलब डिस्प्ले जो है इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो पैकेजिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। इसको अनपैक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना हेलमेट मिल जाता है। हेलमेट के अलावा इस बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका यूज़र मैनुअल है और उसके साथ एक छोटा सा टैग भी दिया हुआ है। तो यही है हमारा हेलमेट। सो यहाँ पे हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। सो दिस इज़ द हेलमेट। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक हेलमेट की ज़रूरत था बहुत दिनों से, क्योंकि मेरा पुराना हेलमेट जो है वो है ये, जो कि है रॉक राइडर की तरफ से। बिल्कुल ये लगभग इसका 3 साल से ज़्यादा हो चुका है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ अभी भी चलेगा बट फिर भी आई नीडेड टू अपग्रेड क्योंकि बिगिनर्स हेलमेट है पूरा का पूरा। सो मुझे एक अपग्रेड चाहिए था तो इसीलिए मैंने ये जीरो का रजिस्टर हेलमेट चूज़ किया। सो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट ये हेलमेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत दिनों से मैं देख रहा था इसको और फाइनली मैंने इसको परचेज़ किया। सो दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट मुझे हेलमेट पसंद है इसलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इसको बाय किया है ताकि आप लोग भी जान सके कि मैं कौन सा हेलमेट यूज़ करता हूँ। आप कोई भी हेलमेट यूज़ कर सकते हो बट दिस इज़ द वन आई चोज़। सो मैंने इसको क्यों चूज़ किया, तो सबसे पहले तो मैं कोई ऐसा मतलब क्रॉस कंट्री टाइप का हेलमेट या फिर जो मैं ऑन रोड्स पे या फिर ऑफ रोड्स पे कहीं पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द हेलमेट आई चोज़। सो इस हेलमेट में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसका वाइज़र जो है वो ईजिली डिटैचेबल है। इसमें वाइज़र भी है और या फिर नॉन वाइज़र भी आप इसको बना सकते हो, जो कि ज़्यादातर हेलमेट्स में होता है बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको डिटैच करना। कोई भी होल्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है। इसको आप ईजिली रोड बाइक का हेलमेट बना सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये रोड बाइक का हेलमेट बन चुका है। सो ईज़िली इसको बना सकते हो और ईज़िली ये लग भी जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसको घुसाना होता है और ये इजीली फिर से इंस्टॉल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। और उसके बाद मुझे एक वाइट हेलमेट चाहिए था, ये मेरा प्रेफरेंस था कि मैं वाइट हेलमेट परचेज़ करूँगा। तो यही मुझे मिला कि जीरो जीरो की तरफ से ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, सारे के सारे क्राइटेरियाज इसमें हैं। सो एक और कन्फ्यूजन बहुत लोगों को हो सकता है कि रजिस्टर जो है वो मिप्स के साथ आता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मिप्स क्या है। सो मिप्स स्टैंड्स फॉर मल्टी डायरेक्शनल इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि साइकिलिंग हेलमेट्स पे इंक्लूडेड होता है ज़्यादातर, जो कि आपके मतलब जो रोटेशनल फोर्सेस होती है या फिर इंपैक्ट के वक्त आपका सर जो है वो रोटेट हो सकता है या फिर कोई स्ट्रेंस आ सकती है उसको होने से ये प्रिवेंट करता है। मतलब एक्चुअली जो अंदर का पार्ट है वो मूवेबल होता है ताकि जब कोई इंपैक्ट हो, कोई ज्यादा चोट लगने से या फिर ज्यादा स्ट्रेंस आने से वो उसको प्रिवेंट करता है। काइंड ऑफ एक छोटा सा सस्पेंशन होता है हेलमेट के अंदर, जो कि अगर आप गिरते हो तो हेलमेट मूव होता है और आपका सर जो है वो ज्यादातर जगह पे रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया सिस्टम है। बट जीरो के हेलमेट्स में या फिर रजिस्टर में दो तरह के मॉडल्स आता है, एक होता है मिप्स के साथ और एक होता है मिप्स के बगैर। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों का प्राइस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो ये एक्चुअली 4K के आसपास आता है और जो मिप्स के साथ आता है उसका प्राइस अराउंड 6K के आसपास है। सो दैट मेक्स सेंस, मिप्स की वजह से उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। बट ये हेलमेट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरा बजट जो है वो 4K के आसपास था इसलिए मैंने यही हेलमेट चूज़ किया। हेलमेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मिप्स टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो डेफिनेटली जीरो का वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो या फिर अमेजोन चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर डिफरेंट हेलमेट्स आपको मिल जाएंगे जीरो का या फिर कोई भी अदर ब्रांड का जिसमें मिप्स इंस्टॉल्ड है। और उसके बाद यहाँ पे इसमें हमें एक ये जो है ये मिल जाता है, इस ये मतलब क्या कहते हैं इसको, डायल जो है इसकी मदद से हम इसको टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। और इसमें बकल सिस्टम है, तो इसको मैं पहन के दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सो काइंड ऑफ बढ़िया हेलमेट है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो ऐसा आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिखता है ये हेलमेट।
मुझे लगा था कि थोड़ा सा मशरूम के जैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है उतना भी ज़्यादा। बट आप लोग मुझे बताओ कि मशरूम के जैसा दिख रहा है, यानी कि हेलमेट ये इतना ज़्यादा बड़ा है और मेरा सर जो है वो छोटा है। आई एम नॉट श्योर, मेरा सर बहुत ही बड़े साइज़ का है, बट फिर भी ये हेलमेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये पीछे का जो चीज़ है, इसकी मदद से आप पूरा एकदम इसको टाइट कर सकते हो, मतलब ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, ये आपका एडजस्टर होने से आपका हेलमेट पूरा टाइट हो जाता है। आपके मतलब आपके कोई भी हेलमेट का परफेक्ट साइज़ नहीं होता कोई भी सर के लिए, बट ये डायल होने से, ये एडजस्टर होने से आप उसको अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो किसी भी हेलमेट पे, या फिर किसी भी कोई भी अगर आप ये हेलमेट पहनेगा तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको बिल्कुल टाइट रहना होगा या फिर बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहना चाहिए, जो कि मेरे पहले हेलमेट में होता था उसमें ये चीज़ नहीं था। उसमें यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ था, ये सिर्फ स्ट्रैप था बट कोई भी एडजस्टर नहीं था, तो मैं इसको टाइट नहीं कर पाता था तो ये इधर उधर घूमता था। बट इस हेलमेट पे बिल्कुल भी ये नहीं है, बिल्कुल ये सेट हो चुका है यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, सेफ्टी फर्स्ट, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एंड काइंड ऑफ हेलमेट बहुत ज़्यादा सिक्योर लगता है मुझे। और अभी मैं बोलता हूँ कि इसको मैंने चूज़ क्यों किया, तो जैसे कि मैंने बताया मुझे वाइट हेलमेट चाहिए था, और जीरो मैंने चूज़ किया क्योंकि जीरो का ये डिज़ाइन जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इंक्लूडिंग द वाइट कलर। उसके बाद इसका डिज़ाइन, ये बैक वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, उसके बाद ये डिज़ाइन एंड इसका जो भी है। और एक और चीज़ कि इसके सामने ये वेंट्स मिल जाते हैं, वेंट्स में ये नेट्स मिल जाते हैं ताकि शायद कीड़े मकोड़े अंदर ना जा सके, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा चीज़ लगा मुझे। और इसका क्वालिटी बिल्ट फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैंने इसको यूज़ भी किया है अभी तक, मैं इसको लगभग 200 किलोमीटर्स चला चुका हूँ, बट एज अ फर्स्ट इंप्रेशन या फिर थोड़ा सा राइड के बाद रिव्यू, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हेलमेट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो कोई भी इसको परचेज कर सकता है, ये बिगिनर्स के लिए भी है, प्रोज भी इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हेलमेट है। और कुशनिंग जो है अंदर की तरफ जितने भी कुशनिंग्स दी हुई है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मैं कहना चाहूँगा। और एक और चीज़ शायद इस हेलमेट में मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि अगर मैं इसको पहनता हूँ तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ये लूज टाइप का रहता है, हालांकि हेलमेट जो है वो बिल्कुल जगह पे है, बट ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ये काइंड ऑफ सही नहीं है मुझे लगता है। बट एक्चुअली इशू नहीं होता है, बट लुक्स में थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर आने लगता है, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट ये काइंड ऑफ थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल्स ना होने से अगर ये थोड़ा सा लूप टाइप का होता तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहता कि अगर मूवेबल होता तो, बट ये मूवेबल नहीं है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखा है इस हेलमेट में, अदरवाइज दिस हेलमेट इज़ परफेक्ट। तो यही था मेरा हेलमेट जीरो रजिस्टर, तो यही था इसका छोटा सा रिव्यू। मैंने बहुत ही रैंडम सा ये वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि मैं कौन सा हेलमेट यूज़ करता हूँ, या फिर मैंने चूज़ किया ये नया। मैं बहुत दिनों से वो पुराना वाला हेलमेट चूज़ कर रहा था, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट अच्छा हेलमेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा साइकिल जो है वो 56,000 का है, एंड मेरा हेलमेट जो है वो 3 साल पुराना है, और मैंने उसको 700 रुपये में से परचेज किया था, एंड दैट्स नॉट परफेक्ट। आप कोई भी हेलमेट यूज़ कर सकते हो, कोई भी साइकिल यूज़ कर सकते हो, बट सेफ्टी फर्स्ट, अच्छा हेलमेट होने से आपका सेफ्टी रहता है। सो ये हेलमेट जो है ये मैंने परचेज किया, दिस इज़ अ गुड हेलमेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं अब से यही हेलमेट यूज़ करूँगा। हाँ, छोटे मोटे राइड्स के लिए, जो छोटा मोटा कॉलोनी वाले राइड्स होते हैं वो वहाँ पे मैं वो हेलमेट यूज़ करने वाला हूँ, बट ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और अगर आप चाहो तो डेफिनेटली जाके इसको परचेज कर सकते हो। मैंने अमेजोन से परचेज किया है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इसका प्राइसिंग जो था वो था 4,199। आई नो कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है, बट इट्स नॉट, मतलब ये बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइसिंग के साथ आता है। अगर अच्छा चीज़ आपको मिलता है तो प्राइसिंग तो होगा ही ज़रूर, ऑब्वियसली, क्योंकि वो हेलमेट मैंने 750 या फिर 700 रुपये से परचेज किया था 3 साल या फिर 4 साल पहले, बट ये हेलमेट जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और जितना ज़्यादा लाइट होता है साइकिल स्टफ उतना ज़्यादा ही महंगा होता है, और ये हेलमेट बहुत ही ज़्यादा लाइट भी है, और एंड द वाइजर ऑप्शन एंड द लुक्स एंड ऑल द जीरो लोगो, सब कुछ मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस हेलमेट के बारे में। तो यही था हमारा वीडियो इस हेलमेट के बारे में, जीरो रजिस्टर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, तो दिस यू वाला ओन वायर एस साइनिंग आउट।